हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस हिस्ट्री कोर्स, जिसको हम तमिलनाडु की बुक से कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एंशंट और मेडिवल वाला पार्ट कवर हो चुका है। मेडिवल में हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में मुगल एम्पायर्स के बारे में देखा था। तो मुगल की जो पूरी क्रोनोलॉजी थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कैसे उनका डिक्लाइन हुआ था ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मुगल्स के अंडर क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुए, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, वो डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक बार मैप के थ्रू दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कि किसका एम्पायर कहाँ तक था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ये वाला जो एम्पायर है, यहाँ से बाबर ने स्टार्ट किया था। तो बाबर ने काबुल, कांधार, पंजाब, लाहौर पहले यहाँ पे ऑक्यूपाई किया। उसके बाद जब वो इंडिया में दिल्ली सल्तान मतलब इब्राहिम लोदी को जब उसने डिफ़ीट किया, उसके बाद दिल्ली में उन्होंने लड़ा था। फिर दिल्ली से आसपास के एरिया में उन्होंने इतना अपना एम्पायर बिल्डअप किया था। ठीक है, उसके बाद अकबर का एक नोटेबल टाइम था जब उन्होंने यहाँ पूरा नॉर्थ इंडिया उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। तो ये अकबर का टाइम था। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, इस मैप में आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये जो था ये बाबर का टाइम था। फिर ये जो डेक्कन तक गुजरात जो जीता था वो अकबर ने जीता था, जिसके लिए उन्होंने हम अभी देखेंगे फतेहपुर सीकरी बनवाया था। फिर उसके बाद ये जो पिंक वाला एरिया है, यहाँ तक औरंगज़ेब ने कॉन्कर कर लिया था। हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि औरंगज़ेब की डेक्कन पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि उन्होंने सारा जो ट्रीजरी थी वो डेक्कन एम्पायर से लड़ने में ख़त्म कर दी थी। और यहाँ पर इधर थे मराठास। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने मुगल एम्पायर के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, और अगर आपके पास तमिलनाडु की बुक नहीं है तो आपको गूगल पे मिल जाएगी इजीली। अगर आपको वहाँ से भी नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले का आपको कुछ भी स्टडी करना है तो आप मेरी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक, एंशेंट वाली, मेडिवल वाली, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं आज, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल एम्पायर, मुगल नोबिलिटी क्या थी, एग्रीकल्चर और ट्रेड में क्या क्या चेंजेस हुए थे, कल्चरल डेवलपमेंट क्या क्या थे, और मुगल पेंटिंग्स क्या क्या हुआ करती थी, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल पीरियड जो था उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए थे। इस पीरियड में बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, और उनका जो अकाउंट्स था उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, इंडिया के बारे में। जनरली उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हुआ करती थी इंडिया में, लोग लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी मतलब राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे वो सब लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे। जबकि दूसरी साइड पे क्या था, जो पोवर्टी थी लोगों में, जो रूरल पीपल थे और या फिर जो पुअर पीपल थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, ऑर्डिनरी पीपल सफ़र करते थे, पीजेंट्स, आर्टिशन, ये लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, इसके बारे में भी बताया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मुगल नोबिलिटी के बारे में। तो जो नोबल्स हुआ करते थे मुगल पीरियड में वो प्रिविलेज क्लास को बिलोंग करते थे, और उनमें से अधिकतर जो नोबल्स थे वो फॉरेनर थे, जैसे टर्क हुए, अफगान्स हुए, ये सारे नोबल्स हुआ करते थे। बट इनके और एम्पायर हमने हमेशा देखा है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही जो एम्पायर हुआ करते थे और नोबल्स हुआ करते थे इनके बीच में हमेशा टसल चलती थी। तो मुगल पीरियड में भी इनके बीच में टसल चलती थी। बहुत सारे जो नोबल्स थे वो इंडिया में ही सेटल्ड हो गए थे, परमानेंट होम ले लिया था, लेकिन और साथ में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया के जो कल्चर था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, असिमिलेट कर लिया था अपने आप को इंडियन सोसाइटी और कल्चर में। सेम टाइम पे वो क्या करते थे, अपने पर्सनल ट्रेड्स भी रखा करते थे, ठीक है, रिटेन करके रखते थे। फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के टाइम से क्या होने लग गया था, जो हिंदूज थे पर्टिकुलरली जो राजपूत थे उनको भी नोबल्स में इंक्लूड किया जाने लगा, मतलब उनको भी नोबल पोजिशन दी जाने लगी। जैसे कि किसको दी थी, राजा मानसिंह, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, ये
सारे राजपूत रूलर्स थे इनको भी नोबल्स की पोजीशन दी जाने लगे। उसके बाद फिर जो मराठास थे उनको भी मुगल, उन्होंने भी मुगल सर्विस को ज्वाइन किया और वो भी नोबल्स की पोजीशन तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो मुगल्स के टाइम से ही हिंदूज़ को भी नोबल्स में इंक्लूड किया जाने लगा। वो जो मुगल नोबल्स हुआ करते थे उनको हाई सैलरी पेड की जाती थी, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, नोबल क्या करते थे, लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, इन सबको मेंटेन करके रखते थे। नोबल जो करते थे वो एम्पायर की लग्जूरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते थे कि जैसे मुगल एम्पायर रह रहे हैं, जैसा उनका लाइफस्टाइल है उसी को फॉलो करने की कोशिश किया करते थे। ये लोग फाइन क्लोथ पहनते थे, इंपोर्टेड फ्रूट्स खाते थे, कॉस्टली ज्वेलरी बहुत कॉस्टली ज्वेलरी पहना करते थे दोनों मैन एंड वुमेन। ठीक है, दे और क्या करते थे, साथ में कॉस्टली प्रेजेंट्स भी दिया करते थे किसको, एम्पायर को। तो नोबल जो थे वो किसकी लाइफस्टाइल को फॉलो किया करते थे, एम्पायर की लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, फिर रूरल मासेस के बारे में हम देखेंगे उस टाइम पे। ये तो हमने नोबल्स के बारे में देख लिया। जब एक साइड जब वेल्दी पीपल जो थे वो सिल्क और कॉटन के क्लोथ पहनते थे, पुअर पीपल जो थे वो मिनिमम क्लोथ पहनते थे, मतलब उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे पहनने में। इवन बहुत सारे जो पुअर पीपल थे वो इनसफिशियंट क्लोथिंग से सफ़र करते थे विंटर सीजन में। ठीक है, विंटर सीजन में उनको पहनने के लिए ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं होते थे, स्वेटर्स नहीं होते थे, तो उन चीज़ों की वजह से वो सफ़र करते रहते थे। निकितिन जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो डेक्कन के लोग थे वो बेयर फूटेड थे। बेयर फूटेड मतलब वो सिर्फ विदाउट स्लीपर ट्रैवल करते थे, उनके पास स्लीपर नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे जो लेदर थी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसके वजह से वो बेयर फूटेड ट्रैवल करते थे। उसके अलावा राइस, मिलेट, पल्सेस जो थे वो स्टेपल फूड हुआ करते थे कॉमन पीपल के लोग। कॉमन पीपल जो थे वो राइस, मिलेट्स और पल्सेस ही खाया करते थे। फिश जो था पॉपुलर था ऑन द कोस्टल रीजन, जितना कोस्टल रीजन था वहाँ पे फिशिंग हुआ करती थी। घी और ऑयल जो था वो चीपर प्रोडक्ट्स थे। अभी क्या है, घी और ऑयल जो है वो कॉस्टली प्रोडक्ट है, लेकिन उस टाइम पे घी और ऑयल जो होते थे चीपर प्रोडक्ट होते थे, लेकिन जो सॉल्ट और शुगर होती थी वो एक्सपेंसिव होते थे। जस्ट उल्टा था अभी से। अभी क्या होता है, सॉल्ट और शुगर जो होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, वो एकदम सस्ता होता है, लेकिन घी और ऑयल जो होता है वो महंगा होता है। क्योंकि क्यों ऐसा था, क्योंकि बहुत सारे कैटल कीपिंग रूरल पीपल जो होते थे वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए कैटल पीपल को रखते थे, कैटल को रखते थे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता था, इस वजह से मिल्क ईजीली अवेलेबल था लोगों के लिए। ठीक है, तो मिल्क अवेलेबल था तो घी का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए वो चीपर रेट्स में मिल जाता था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर ऐसा माना जाता है कि उस टाइम 17 सेंचुरी में जब मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ था उस टाइम की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो थी 125 मिलियन, मतलब 1 crore 25 lakh, मतलब 1 crore 25 lakh पॉपुलेशन हुआ करती थी। बहुत सारा लैंड अवेलेबल था उस टाइम कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस हुआ करता था। बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती थी, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, ग्राम हुआ, बार्ले हुआ, पल्सेस हुआ, ये सब कल्टीवेट किया जाता था। फिर कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, ऑयल सीड, ये सब भी कल्टीवेट किया जाता था। फिर 17th सेंचुरी में दो न्यू क्रॉप्स लगाई जाती थी, नेमली टोबैको एंड मेज। तो 17th सेंचुरी में दो न्यू क्रॉप्स आई थी, कौन कौन सी, टोबैको और मेज आई थी, जबकि 18th सेंचुरी में आई थी पोटैटो एंड रेड चिली। पोटैटो एंड रेड चिली जो थी वो 18th सेंचुरी में आई थी। तो याद रखना 17th सेंचुरी में कौन कौन सी आई थी, टोबैको एंड मेज आई थी, और 18th सेंचुरी में कौन सी आई थी, पोटैटो एंड रेड चिली। ठीक है, तो ये दो नई क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, और कोई नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स नहीं आई थी, बस ये दो न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की गई थी। हाउ इंडिया वॉज एबल, लेकिन इंडिया जो था वो इजीली एक्सपोर्ट करता था फूड आइटम्स को लाइक राइस, शुगर, नेबरिंग कंट्रीज़ को। हमने देखा है कि हमारे इंडिया में पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉस्पेरस था, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ करता था हमारे यहाँ से वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही हुआ करता था। अब ट्रेड का ग्रोथ कैसे हुआ, तो देखो जो ट्रेडिंग इंडियन ट्रेडिंग क्लासेस थी वो बहुत लार्ज नंबर में पूरी इंडिया में स्प्रेड थी, मतलब हर एरिया में ट्रेडिंग क्लास हुआ करती थी। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और हाईली प्रोफेशनल थी, जैसे सेठ बोहरा,
ट्रेडर्स स्पेशलाइज थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने में, जबकि लोकल ट्रेड कौन क्या करते थे, बनी, इसको बनिया भी बोलते हैं, ये सब लोग क्या करते थे, लोकल ट्रेडर्स हुआ करते थे। अनदर क्लास जो थी ट्रेडर्स की, उसको क्या बोलते थे, बंजारा बोलते थे। वो क्या करते थे, बल्क गुड्स को कैरी करने का काम करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। बंजारा जो थे वो कैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव करते थे, और जो भी गुड्स उनको ट्रांसफ़र करना होता था, जो ऑक्सेंस होती थी, ऑक्सेंस मतलब जो बैल होते थे, उनकी पीठ पर रख के सारा गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, उसको बंजारा बोलते हैं। बल्क गुड्स और किसके थ्रू जाते थे, जो रिवर होती थी उनमें बोट्स के थ्रू बल्क गुड्स ट्रांसफ़र किए जाते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटी जो थी वो किसी पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन को बिलोंग नहीं करती थी। उसके अलावा गुजराती मर्चेंट्स जो थे इंक्लूडेड द हिंदू, जैन एंड मुस्लिम। गुजराती जितने मर्चेंट्स थे उसमें हिंदू भी थे कुछ, कुछ जैन भी थे और कुछ मुस्लिम भी थे। राजस्थान में ट्रेडिंग कौन करता था, ओसवाल हुआ करते थे, माहेश्वरी हुआ करते थे, अग्रवाल्स होते थे जिनको पर्टिकुलरली मारवाड़ीज बोला जाता था, ये सब ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी। उसके अलावा मुल्तानीज, खत्रीज, अफगानीज, ये सब जो थे सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड किया करते थे। साउथ इंडिया में जो चेतीज हुआ करते थे कोरोमंडल कोस्ट पे, एंड मुस्लिम मर्चेंट्स जो हुआ करते थे मालाबार कोस्ट पे, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी हुआ करती थी। तो याद रखिएगा सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी, एक तो बंजारा के बारे में याद रखिएगा, सेठ, बोहरा, ये दोनों क्या करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग किया करते थे। फिर गुजराती मर्चेंट्स जो थे हिंदू, जैन, मुस्लिम, ये भी ट्रेड किया करते थे। फिर राजस्थान के ओसवाल, माहेश्वरी, अग्रवाल, ये सारे मारवाड़ीज इनको बोला करते थे। फिर मुल्तानीज, खत्रीज और अफगानीज, ये सब भी सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करते थे। साउथ इंडिया में जो चत्तीस होते थे, सी फॉर चत्ती और सी फॉर कोरोमंडल कोस्ट, ये दोनों ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। मुस्लिम मर्चेंट, एम फॉर मुस्लिम मर्चेंट, एम फॉर मालाबार, ये दोनों भी कहाँ की, साउथ इंडिया की ट्रेडिंग कम्युनिटी हुआ करती थी। बंगाल जो क्या करता था, वो शुगर का एक्सपोर्ट करता था, राइस एज वेल एज डेलिकेटेड मसलिन एंड सिल्क। बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रोडक्शन होता था, शुगर का, राइस का और मसलिन और सिल्क का, इन सबको एक्सपोर्ट किया करता था। कोरोमंडल कोस्ट जो था वो सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन था। गुजरात जो था वो एंट्री पॉइंट था फॉरेन गुड्स का, जो भी फॉरेन गुड्स आते थे वो गुजरात के पोर्ट्स पर आते थे, फिर यहाँ से जो फाइन टेक्सटाइल एंड सिल्क होती थी उनको नॉर्थ इंडिया में ले जाया जाता था। इंडिगो और फूड ग्रेन्स जो होते थे वो एक्सपोर्ट होते थे नॉर्थ इंडिया थ्रू दी गुजरात। जो भी नॉर्थ इंडिया मतलब जैसे इंडिगो है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बिहार में होता था, और जो भी फूड ग्रेन्स हैं गंगा वैली में जितने नॉर्थ इंडिया में फूड ग्रेन्स होते थे वो सारे गुजरात कोस्ट तक लेके आया करते थे, फिर वहां से एक्सपोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बाद गुजरात जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी हुआ करता था लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर का। कश्मीर के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स थे जैसे शॉल्स हुए, कारपेट्स हुए, ये सारे कहाँ आते थे, ये सारे गुजरात पोर्ट पर आते थे। मेजर इंपोर्ट्स जो होते थे इंडिया में वो मेनली जो इम्पोर्ट हुआ करता था वो मेटल का हुआ करता था, जैसे टिन, कॉपर, वॉर हॉर्सेस, लग्जरी आइटम्स, ये सारी जो चीज़ें होती थी वो इम्पोर्ट हुआ करती थी। तो एक्सपोर्ट में मेनली क्या हुआ करता था, जो फूड आर्टिकल्स होते थे इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी होता था वो सब एक्सपोर्ट हुआ करता था, और इम्पोर्ट में जो भी मेटल्स होते थे कॉस्टली मेटल्स और टिन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ इम्पोर्ट हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद ट्रेड को बैलेंस करने के लिए गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट किया जाता था। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था हमारी इंडिया से वो बाहर जाता था, उसके बदले में हमको इंडिया में क्या आता था, गोल्ड और सिल्वर आता था, ठीक है। फिर फॉरेन ट्रेड का ग्रोथ हुआ, इसके वजह से गोल्ड और सिल्वर जो था 17th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होने लग गया। डच और इंग्लिश ट्रेडर्स भी इंडिया में आने लग गए और गुजरात में वो लोग सेटल हो गए थे। जैसे जो मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था वो 1526 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो पुर्तगीज आए थे वो 1498 में ही आ गए थे। उसके बाद बहुत सारे डच आए थे, फ्रांस आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, तो ये सारे लोग आकर इंडिया में सेटल्ड होने लग गए थे और पोर्ट सिटी में आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंडियन ट्रेडर, और इनको पता चला इंडिया में आके कि इंडियन ट्रेडर्स जो होते हैं वो काफ़ी अलर्ट होते हैं और ब्रिस्क होते हैं, तो इनको इजीली चीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, कल्चरल डेवलपमेंट
भी बहुत ज़्यादा हुआ था मुगल्स के टाइम पे। देखो मुगल्स के टाइम पे क्या क्या कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था, पहले तो बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, जैसे फोर्ट बिल्डिंग हुई, ताजमहल हुआ, मॉस्क बिल्डिंग हुई, मसोलियम हुई, ये सारा हुआ। फिर पेंटिंग्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, म्यूज़िक में, म्यूज़िक के फील्ड में शाहजहाँ जहांगीर का काफ़ी बड़ा रोल था, लिटरेचर डेवलपमेंट हुआ। कल्चरल डेवलपमेंट जो था वो कैसे हुआ था, हमारी इंडिया में टर्को ईरानियन कल्चर लेकर आए थे मुगल्स, इसको इंडिया इंडियन कल्चर के साथ ब्लेंड किया गया था। इसके वजह से जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ वो टर्को ईरानियन स्टाइल में हुआ, जितना भी मुगल आर्किटेक्चर है वो पूरा टर्को ईरानियन स्टाइल को इंडियन स्टाइल के साथ ब्लेंड किया गया है। ठीक है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत सारे फोर्ट्स बने, पैलेसेस बने, पब्लिक बिल्डिंग्स बनी हैं, मॉस्क बने हैं, मेसोलियम बने हैं। मुगल्स जो थे सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट हुआ था वो गार्डन्स का डेवलपमेंट हुआ था विथ रनिंग वाटर। मुगल गार्डन्स जैसे निशात बाग गार्डन कश्मीर में है, ठीक है, शालीमार बाग गार्डन जो लाहौर में आता है, पिंजौर गार्डन जो पंजाब में आता है, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो निशात बाग, याद रखना निशात बाग गार्डन कहाँ आता है, कश्मीर में आता है, शालीमार बाग गार्डन कहाँ आता है, लाहौर में आता है, पिंजौर गार्डन कहाँ आता है, पंजाब में आता है, P4 पिंजौर, P4 पंजाब में आता है। शालीमार बाग तो याद रहेगा आपको, ये लाहौर में आता है, निशात बाग जो आता है वो कश्मीर में आता है। ठीक है, अब शेर शाह के टाइम पे क्या हुआ था, एक उन्होंने मसोलियम बनवाया था सासाराम इन बिहार, और एक पुराना किला बनवाया था नियर दिल्ली। ये दोनों आर्किटेक्चरल मार्बल पीसेज हुआ करते थे जो मेडिवल पीरियड में बनवाए गए थे। ठीक है, तो पुराना किला तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा पुराना किला, और एक मसोलियम एट सासाराम बिहार में है, वो आप देखिएगा, उसमें क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हुआ था बिल्डिंग्स का विद द एडवेंट ऑफ अकबर। अकबर के आने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होने गया लग गया था, जैसे बहुत सारे फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था। इनमें से सबसे फेमस फोर्ट जो है वो है आगरा फोर्ट, जो सैंड स्टोन का बना था। कौन से सैंड स्टोन का बना था, रेड कलर का सैंड स्टोन का बना था आगरा फोर्ट। इनके अदर फोर्ट्स जो थे वो कहाँ पे थे, लाहौर और अलाहाबाद में थे। फोर्ट बिल्डिंग जो थी वो अपने क्लाइमेक्स पे कब पहुंची थी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे बहुत ज़्यादा फोर्ट बिल्डिंग हुई थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की जो फोर्ट बिल्डिंग थी तो वो क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी। फेमस रेड फोर्ट जो है दिल्ली का विथ इट्स, देखो जो दिल्ली का रेड फोर्ट है उसमें तीन चीज़ें थी, रेड फोर्ट और दिल्ली जो है उसमें तीन चीज़ बनवाई गई, एक तो रंग महल है, दूसरा दीवाने आम है, और तीसरा दीवाने खास है। ठीक है, एक सेकेंड बताती हूँ, जो रेड फोर्ट है उसमें तीन चीज़ें हैं, पहला है रंग महल, ठीक है, दूसरा है दीवाने आम, आम लोगों के लिए, फिर दीवाने खास, खास लोगों के लिए। ये तीन चीज़ें उसमें बनाई गई है रेड फोर्ट में, देखिए रंग महल, दीवाने आम, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, दीवाने खास जो है वो इसका क्रिएशन हुआ करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे, हाँ अकबर के टाइम पे और क्या क्या हुआ था। तो अकबर ने एक पैलेस कम फोर्ट बनवाया था, पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाया था द फतेहपुर सीकरी। इसको बोलते हैं फतेहपुर सीकरी, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको सिटी ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। जब गुजरात जीता था किसने, अकबर ने, तब इस सिटी को डेवलप कराया था और ये पैलेस कम फोर्ट वहाँ पर बनवाया था। ये फतेहपुर सीकरी आगरा से कितना दूर था, 36 किलोमीटर दूर है। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी इसमें गुजराती और बंगाली स्टाइल्स में। गुजराती जो स्टाइल्स थी वो मेनली किसके लिए, राजपूत वाइब्स के लिए बनवाई थी। मोस्ट मैग्निफिसेंट जो बिल्डिंग है इसकी फतेहपुर सीकरी की वो है जामा मस्जिद। याद रखना दो जामा मस्जिद बनी थी मुगल टाइम में, एक बनी थी जो अकबर ने बनवाई थी ये फतेहपुर सीकरी में, और एक है वो शाहजहां ने बनवाई है जामा मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, तो ये वाली जो जामा मस्जिद है ये फतेहपुर सीकरी में बनाई गई थी। इसका जो गेट वे है उसको बोला जाता है बुलंद दरवाजा। ये बहुत बड़ा लॉफ्टी गेट बनाया गया था जिसकी हाइट थी 176 फीट। ठीक है, और ये है पंचमहल। ठीक है, ये पंचमहल इसी के अंदर बनाया था। तो
इट वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात. गुजरात के ऊपर जो अकबर की विक्ट्री होती है उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था. इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो थी फतेहपुर सीकरी में वो कौन कौन सी थी, एक तो जोधाबाई पैलेस थी, पंचमहल थी जिसमें 5 स्टोरी थी. ये वाला जो है ये पंचमहल है, ऐसे बुलंद दरवाज़ा भी होगा. आई विल शो यू, ये रहा ठीक है. ये जो है ये बुलंद दरवाजे का फोटो है जिसका हाइट जो है वो 176 फीट हाइट है ठीक है. आप जो वो डाउनलोड करेंगे ना पीडीएफ, उसमें आपको मिल जाएगा अरेंज्ड. ये एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है एडिटिंग की वजह से. चलिए नेक्स्ट जो है, हाँ अकबर की राइन में देखो और क्या बनवाएगा था. ये तो याद रखिएगा, अकबर के टाइम पे फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी, अकबर ने बनवाई थी, जिसके अंदर जामा मस्जिद बनवाई थी. जामा मस्जिद के अंदर उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था जो उसका एंट्री गेट हुआ करता था. उसके अलावा पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, ये भी सब फतेहपुर सीकरी में बनवाए गए थे ठीक है. अकबर के टाइम पर जो टोम बिल्ड की गई थी, हुमायूं टोम जो बिल्ड की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, दिल्ली में की गई थी. ये पूरी डोम जो है इसकी मार्बल की बनी हुई है. इट मे बी कंसिडर्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल. ये जो हुमायूं टोम बनाया था वो सेम ऐसे जैसे ताजमहल था उसका प्रीकर्सर था, मतलब ताजमहल जैसा दिखता है उसका थोड़ा कम वाला वर्जन जो है वो कौन है, हुमायूं टोम है. अकबर का खुद का जो टोम है वो कहाँ पे बनाया गया है, अकबर का जो टोम है वो सिकंदरा में बनाया गया है नियर आगरा. अकबर का देखो याद रखिएगा, अकबर जो थे वो आगरा से रूल किया करते थे, तो अकबर के टाइम का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो आगरा के आसपास होगा. जैसे फतेहपुर सीकरी है उसका पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, आगरा फोर्ट हुआ, लाहौर अलाहाबाद फोर्ट हुआ, फिर फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, जोधाबाई पैलेस और ये पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, ये सब क्या है आगरा के आसपास. तो अकबर का जो टोम्ब है वो भी कहाँ बनेगा, आगरा के पास में सिकंदरा में बना था ठीक है. इसको किसने कंप्लीट किया था, जहांगीर ने कंप्लीट किया था. फिर नूर जहां ने एक और टोम बनवाया था, उनके जो फादर थे इत्मादुद्दौला, उनका जो टोम बना है वो आगरा में बना है. तो याद रखना, हुमायूं का जो टोम है वो दिल्ली में है, अकबर का जो टोम है वो सिकंदरा में है, और नूर जहां के जो फादर थे इत्मादुद्दौला, उनका जो टोम है वो किस में बना हुआ है, आगरा में बना हुआ है. और ये जो टोम है इत्मादुद्दौला का, ये पूरा का पूरा वाइट मार्बल के बना हुआ है, और इसमें पूरे फ्लोरल डिज़ाइंस बने हुए हैं सेमी प्रीशियस स्टोन से. जैसे कि ताजमहल में बने हुए हैं ना फ्लोरल डिज़ाइन, वही सारे फ्लोरल डिज़ाइंस इसमें बनाए गए हैं. इस टाइप का जो डेकोरेशन होता है ना उसको पीटरा डूरा स्टाइल बोलते हैं. ये आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ोगे कि जो पीटरा डूरा स्टाइल था वो यूज़ किया करना किसने स्टार्ट किया था, नूरजहाँ के टाइम से स्टार्ट हुआ था. और शाहजहाँ ने इस चीज़ को एक्सटेंसिवली यूज़ किया था ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में, और उनका जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ था इसमें. तो वो जो फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं विथ सेमी प्रीशियस स्टोन, उसको बोलते हैं पीटरा डूरा स्टाइल. ये जो मेथड था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था शाहजहाँ के टाइम में. पीटरा डूरा मेथड जो था वो ताजमहल में लार्ज स्केल पर यूज़ किया गया है बाय दी शाहजहाँ ठीक है. एक सेकेंड क्या हुआ, ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा यूज़ किया गया. ताजमहल इज़ कंसिडर्ड एज द ज्वेल ऑफ द बिल्डर्स आर्ट. ये तो हमको पता है, 8वां अजूबा है हमारा ताजमहल. इसमें आर्किटेक्चुरल फॉर्म्स डेवलप किए गए थे मुगल्स के द्वारा. चीफ ग्लोरी जो है ताज की वो है मैसिव डोम. ये देखिए ये मैसिव डोम है, और ऐसे ये 4 सिलेंडर मिनारेट हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं. तो ये इसका मेन इसकी जो ग्लोरी है वो इसके वजह से है. डेकोरेशन जो है वो मिनिमम रखा गया है. मॉस्क बिल्डिंग रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द शाहजहाँ राय. जो मॉस्क बिल्डिंग था वो किसके पीक अपनी पीक पे पहुंच गया था, शाहजहाँ के टाइम पे 2 मस्जिद बनवाई गई थी. एक तो मोती मस्जिद एट आगरा बिल्ट एंटायरली विद द वाइट मार्बल, और जामा मस्जिद एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाई द रेड सैंड स्टोन. तो वही याद रखना कि अकबर ने जो जामा मस्जिद बनवाई थी वो फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी, और शाहजहाँ ने जो जामा मस्जिद बनवाई है वो दिल्ली में बनवाई है. तो शाहजहाँ ने 2 मस्जिद बनवाई है, एक बनवाई है मोती मस्जिद कहाँ पर, आगरा में, दूसरा जामा मस्जिद जो भी जो दिल्ली में बनवाई गई है ठीक है. तो ये शाहजहाँ ने बनवाई है. और जो मोती मस्जिद है वो वाइट मोती मतलब वाइट होता है ना, तो वाइट मार्बल की बनवाई है. जामा मस्जिद रेड स्टोन सैंड स्टोन की बनवाई गई है ठीक है. अब मुगल आर्किटेक्चर और ट्रेडिशन जो था वो 18वीं सेंचुरी और अर्ली 19वीं सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा था. जो इन्फ्लुएंस देखा, जो भी प्रोविंशियल किंगडम्स थी उनके ऊपर क्लियरली इसका इन्फ्लुएंस देखा गया. बहुत सारे जो फीचर्स थे मुगल ट्रेडिशन के वो गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर में भी यूज़ किए गए. तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्रेडिशन, कौन सा स्टाइल मुगल
एट अमृतसर, मुगल टेम्पल बोल रही हूँ, गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर में यूज़ किया गया है, तो मुगल ट्रेडिशन को यूज़ किया गया है। ठीक है, ये तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप याद रखिएगा कि अकबर के टाइम पे क्या बना था, शेरशाह सूर ने दो बनवाए थे वो क्या थे, मुगल गार्डन्स कहाँ कहाँ पर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और उसके अलावा शाहजहाँ ने जो कंस्ट्रक्शन करा है उसके बारे में, और जो पीटराडूरा स्टाइल है नूरजहाँ ने स्टार्ट किया था उसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेंटिंग एंड म्यूजिक के बारे में। तो जो कंट्रीब्यूशन था मुगल का टू द आर्ट ऑफ पेंटिंग वो रिमार्केबल था। जो फाउंडेशन किया मुगल पेंटिंग का वो किसने किया, हुमायूं ने, व्हेन ही वाज स्टेइंग इन पर्शिया, जब वो पर्शिया में रहते थे। सॉरी, जो मुगल पेंटिंग, देखो हमने पढ़ा था कि हुमायूं जो था जब शेरशाह सूरी ने उनको डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ बिलग्राम में, तो वो कहाँ चले गए थे, ईरान चले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने मुगल पेंटिंग्स को स्टार्ट किया था हुमायूं ने, जब वो पर्शिया में रहते थे, ईरान पर्शिया एक ही प्लेस का नाम है। ही ब्रॉट विद हिम टू पेंटर्स, तो वो अपने साथ दो पेंटर्स लेके आए थे, एक तो थे मीर सैयद अली, मीर सैयद अली को लेकर आए थे, और एक लेके आए थे अब्दुल समद। ये दो लोगों को वो अपने साथ लेके आए थे, ये दो पेंटर्स थे जिनको वो हुमायूं अपने साथ लेकर आए थे इंडिया। ये जो दो पेंटर्स थे वो फेमस हुए थे अकबर के रेन में, अकबर के टाइम पे, क्योंकि वो तो जैसे हुमायूं तो जैसे इंडिया में आए थे उनकी डेथ हो गई थी विद इन 6 मंथ। तो ये जो दो पेंटर्स थे वो फेमस किसके टाइम पे हुए, अकबर के टाइम पे हुए। अकबर ने इलस्ट्रेशन दिया बहुत सारे लिटरेरी एंड रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, इन्वाइटेड अ लार्ज नंबर ऑफ पेंटर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू हिज कोर्ट। अकबर ने बहुत सारे पेंटर्स को अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से जो अच्छी पेंटिंग करते थे उनको अपने कोर्ट में बुलाया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इस वर्क को ज्वाइन किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ज्वाइन किया। अब इनमें कौन कौन थे, जैसे बसवान, मिश्किना, दासवंत, ये सारे ग्रेट पोजिशन पे थे एज अ पेंटर। फिर जहांगीर की जो अकबर के कोर्ट आर्टिस्ट थे, ये सारे कौन कौन से, एक तो वो जो दो पेंटर्स के नाम याद रखना, जो कौन लेकर आया था, हुमायूं लेकर आया था, उनके नाम क्या क्या थे, एक थे मीर सैयद अली और दूसरा अब्दुल समद, और जो अकबर ने बुलाए थे उनमें फेमस थे बसवंत, मिस्किना और दाशवंत। ठीक है, अकबर के कोर्ट आर्टिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, इलस्ट्रेशन ऑफ पर्शियन वर्जन ऑफ महाभारत। अच्छा, पेंटिंग में ये लोग क्या कराते थे, जो पर्शियन वर्जन में कन्वर्ट किया था महाभारत और रामायण को, उसका मिनिएचर फॉर्म बनाते थे, उनके जो भी मतलब पेंटिंग्स होती थी पेंटिंग के फॉर्म में बनाते थे, उनके जो भी इंसिडेंट हुआ करते थे, इवेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा, मैनी अदर इंडियन फेबल्स बिकेम द मिनिएचर पेंटिंग इन द आर्ट स्टूडियो स्टैब्लिश बाय अकबर। अकबर ने एक पूरा का पूरा आर्ट स्टूडियो बनाया था जहाँ पे जो भी इंडियंस पेंटर्स होते थे वो मिनिएचर पेंटिंग्स ड्रॉ किया करते थे अलग अलग उसकी। ठीक है, जैसे कभी महाभारत की, रामायण की, रॉयल कोर्ट्स की, इन सबकी पेंटिंग। हिस्टोरिकल वर्क जैसे कि अकबरनामा जो था वो मेन थीम हुआ करता था किसकी, मुगल पेंटिंग। जो पूरा अकबरनामा लिखा गया है वो मुगल पेंटिंग से ही भरा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एक और था हमजा नामा, जिसमें कितनी पेंटिंग्स हैं, टोटल 1200 पेंटिंग्स हैं। मिनिएचर पेंटिंग मतलब पेंटिंग का मिनिमल फॉर्म, छोटा फॉर्म। ठीक है, तो याद रखना अकबरनामा और हमजा नामा ये दोनों पेंटिंग से रिलेटेड है। हमजा नामा में 1200 पेंटिंग्स हैं। इंडियन कलर्स यूज़ किया करते थे इनमें, पीकॉक ब्लू, इंडियन रेड, ये सारे कलर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मुगल पेंटिंग जो था अपने क्लाइमेक्स पे कब पहुंचा था, जहांगीर के टाइम पे। तो जहांगीर के नाम से याद रखना कि देखो अकबर के टाइम पे फोर्ट बिल्डिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद शाहजहां ने वो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कराया था, वो उसके क्लाइमेक्स पे था। फिर पेंटिंग जो है वो जहांगीर के टाइम पे क्लाइमेक्स पे थी। पेंटर्स कौन कौन से, जैसे अबुल हसन हुआ, बिशान हुआ, दा विशान दास, मधु, अनंत, मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर, इनका नाम याद रखिएगा, ये सारे फेमस पेंटर हुआ करते थे जहांगीर के टाइम पर। इनकी जो पेंटिंग हुआ करती थी उसमें हंटिंग के सीन्स होते थे, बैटल्स के सीन होते थे, रॉयल कोर्ट्स के सीन होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर प्रोग्रेस वॉज मेड इन पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की पेंटिंग भी ये करने लग गए थे। बहुत सारी एनिमल एल्बम्स होती थी जिसमें पेंटिंग्स होती थी, कैलीग्राफी प्रोड्यूस की जाती थी मुगल पीरियड के टाइम पे, जो एल्बम्स बनाई जाती थी। फिर उस इन सबको इन्फ्लुएंस किसने किया था, यूरोपियन पेंटिंग्स कुड बी सीन, क्योंकि यूरोपियंस मुगल टाइम के टाइम में ही इंडिया में सेटल होना स्टार्ट हो गए थे, तो फिर मुगल पेंटिंग्स के बाद इनमें यूरोपियन पेंटिंग्स को भी देखा गया था। ठीक है,
म्यूज़िक हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अंडर द मुगल्स, मुगल्स के टाइम पे म्यूज़िक भी डेवलप हुआ था। अकबर किसको पेट्रोनाइज़ करते थे? तानसेन ऑफ ग्वालियर को पेट्रोनाइज़ करते थे। तानसेन ने बहुत सारी राग को कंपोज़ किया है। जहांगीर और शाहजहाँ भी म्यूज़िक के फ़ॉन्ट थे, लेकिन ये सारा जो पेंटिंग हुआ, फिर ये म्यूज़िक हुआ, ये सारे झरों का दर्शन हुआ, ये सारी चीज़ें किसने बंद करा दी थी, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, जो भी एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट सब कुछ बंद करा दिया था, वो कौन सा मुग़ल एम्पायर था जिसने ये सारी चीज़ें बंद करा दी थी। चलिए हम देखते हैं अब लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। पर्शियन लैंग्वेज जो थी सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी मुग़ल एम्पायर में एट द टाइम ऑफ अकबर के टाइम पे। दो स्कॉलर थे, अबुल फजल एंड इसके ब्रदर थे अबुल फेजी, याद रखिए। अबुल फजल जो थे वो ग्रेट स्कॉलर हुआ करते थे। उन्होंने एक नया स्टाइल स्टार्ट किया था प्रोज राइटिंग का, और इसको बहुत जनरेशन तक फॉलो किया गया था। बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क उन्होंने लिखे थे अपने टाइम पे, जैसे आईने अकबरी, अकबरनामा, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ था। अच्छा, अभी हमने अकबरनामा पीछे भी पढ़ा था आर्ट स्टूडियो में। अकबरनामा वही था जिसमें पेंटिंग्स का स्टार्ट किया गया था, मतलब पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है, ऑथर्ड बाय अबुल फजल। लीडिंग पोएट हुआ करते थे इस टाइम के, लीडिंग पोइट ऑफ दैट पीरियड वॉज इज ब्रदर अबुल फेजी। ये तो लिटररी वर्क किया करते थे, हिस्टोरिकल वर्क करते थे अबुल फजल, और इनके जो भाई थे अबुल फेजी वो लीडिंग पोएट हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। क्या किया था अबुल फेजी ने? महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफर किया था। फिर उतबी एंड नज़ीरी वेर द टू अदर लीडिंग पर्शियन पोएट। उतबी और नज़ीरी का नाम याद रखना, ये भी दो लीडिंग पर्शियन पोएट हुआ करते थे, ठीक है। जहांगीर जो था, जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी थी तुजू के जहांगीर, वो खुद के अपने स्टाइल के लिए फेमस थी, और वो बहुत सारे स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया करते थे, जैसे ग्यास बेग हुआ, नकीब खान हुआ, एक सेकेंड काम गया, नकीब खान हुआ, नियामत तोल्ला हुआ, ये इन सबको कौन पेट्रोनाइज किया करते थे? जहांगीर पेट्रोनाइज किया करते थे। शाहजहाँ ने भी बहुत सारे राइटर्स थे उनको पेट्रोनाइज किया था, जैसे अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी वो थे जिन्होंने पातशाहनामा लिखा था। पातशाहनामा जो नूर जहाँ के ऊपर लिखा गया है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, और इनको कौन पेट्रोनाइज किया करता था? शाहजहाँ ने पेट्रोनाइज किया था। इनायत खान जो थी उन्होंने कहाँ क्या लिखा था? शाहजहाँ नामा लिखा था। और उनके जो बेटे थे दारा शिको, उन्होंने क्या किया था? भगवद गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो याद रखना अबुल फेजी जो थे, अबुल फेजी ने क्या ट्रांसलेट किया था? अबुल फेजी ने महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, और जो दारा शिको थे, दारा शिको ने भगवद गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन किए गए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क लिखे गए थे। जो फेमस डिक्शनरीज थी पर्शियन लैंग्वेज की, वो भी कंपाइल की गई थी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ठीक है। बहुत सारी फेमस पर्शियन लैंग्वेज की डिक्शनरीज बनी थी। तो याद रखना अकबरनामा, हुमायूं नामा, बादशाह नामा, ये किसने लिखा था? तो शाहजहाँ नामा इनायत खान ने लिखा था, पातशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनल लैंग्वेज, जैसे बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, इनका डेवलपमेंट हुआ, गुजराती का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे डिवोशनल वर्क हुए, जैसे रामायण महाभारत को ट्रांसलेट किया गया अदर रीजनल लैंग्वेज में। अकबर के टाइम पे जो हिंदी पोइट्स हुआ करते थे वो मुगल कोर्ट से अटैच होने लग गए थे। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हिंदू पोइट जो थे वो थे तुलसीदास, जिन्होंने हिंदी वर्जन लिखा था रामायण का। अभी तक जो रामायण लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी और उसको अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब जो हिंदी वर्जन लिखा है रामायण का वो तुलसीदास ने लिखा था, वो है रामचरितमानस। जो अभी हम रामायण देखते हैं टीवी पे वो रामचरितमानस हिंदी वर्जन की, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है ये वाला चैप्टर। तो हमने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में देखा कि नोबल्स होते थे वो लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे, पूरी लाइफस्टाइल जो थी मुगल एम्पायर की फॉलो किया करते थे, हाई सैलरी उनको दी जाती थी, जबकि दूसरी साइड जो पुअर पीपल थे वो बहुत ज़्यादा मिनिमल क्लोथ्स और पुअर
लिए रहा करते थे, वो उनके पास क्लोथ्स नहीं होते थे, जबकि जो रॉयल कोर्ट्स होते थे तो वो सिल्क की क्लोथ्स पहनते थे, कॉटन क्लोथ्स पहनते थे, ये सारा चीज़ें चलती थी। ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर और ट्रेड में हमने देखा कि एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, लैंड कल्टिवेशन के लिए काफ़ी अवेलेबल था, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते थे वो लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस की जाती थी, वीट, बार्ले, राइस, मेज़। अच्छा, दो नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई थी, टोबैको एंड मेज़, ये 17th सेंचुरी में हुई थी, फिर पोटैटो एंड रेड चिली, ये दोनों 18th सेंचुरी में हुई थी, इनका याद रखिएगा। कल्चरल डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ था, कल्चरल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ था, टर्को ईरानियन स्टाइल को इंडियन स्टाइल के साथ ब्लेंड किया गया था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गार्डन्स बनाए थे, तो निषाद बाग गार्डन जो कि कश्मीर में है, शालीमार गार्डन जो कि लाहौर में है, और एक और कौन सा गार्डन था, निषाद बाग, शालीमार गार्डन, पिंजौर गार्डन जो पंजाब में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे गार्डन फेमस हुआ करते थे, गार्डन विथ रनिंग वाटर बनाते थे, फिर मसूलियम एट सासाराम, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, पुराना किला, ये दोनों मार्वलस बिल्डिंग है, किसकी, मिडेबल पीरियड की। ठीक है, उसके बाद अकबर ने क्या क्या बनवाया था, तो अकबर ने पहले तो आगरा फोर्ट बनवाया है, फिर फतेहपुर सीकरी बनवाया था, फतेहपुर सीकरी क्यों बनवाया था, गुजरात की विक्ट्री को कमरेट करने के लिए, इसके अंदर उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई है, जामा मस्जिद के अंदर एक तो बुलंद दरवाज़ा उसका गेट भी बना हुआ है, उसके अलावा अंदर पंचमहल बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, जोधाबाई पैलेस, ये सब फतेहपुर सीकरी के अंदर में बने हुए हैं। ठीक है, फिर शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, और फिर मोती मस्जिद बनवाई थी इन्होंने आगरा में, जो वाइट मार्बल की बनी होती है, फिर जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई है, वो रेड सैंड स्टोन की बनी हुई है, तो याद रखिएगा ये सारा। पीट्रोडोला स्टाइल किसने स्टार्ट किया था, तो नूरजहाँ ने उनके जो फादर की टोम बनवाई है इत्मादुद्दौला की आगरा में, उसमें उन्होंने सबसे पहले फ्लोरल डिज़ाइंस का यूज़ किया था विथ सेमी प्रीशियस स्टोन, जिसको पीट्राडोरा स्टाइल बोलते थे, और इस पीट्राडोरा स्टाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया है, शाहजहाँ ने किया है उनके मॉस्क बिल्डिंग में या टोम्ब बिल्डिंग में, उन सब के आर्किटेक्चर बिल्डिंग में किया है। फिर लैंग्वेज पेंटिंग्स में हमने देखा कि हुमायूं ने पेंटिंग स्टार्ट की थी, वो दो पेंटर्स अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अकबर के टाइम पे पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उन्होंने भी अलग अलग जगह से पेंटर्स को अपने कोर्ट में बुलाया था, आर्ट स्टूडियो स्टार्ट किया था, अकबरनामा जो है वो पूरा पेंटिंग से बना हुआ है, फिर हमज़ानामा जो है उसमें 1200 पेंटिंग्स है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और फिर म्यूज़िक में भी काफ़ी ग्रोथ हुआ था, म्यूज़िक में तानसेन जो थे उनको कौन पेट्रोनाइज़ किया करते थे, अकबर पेट्रोनाइज़ किया करते थे, ये देखिएगा। फिर लैंग्वेज और लिटरेचर में पर्शियन लैंग्वेज का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, दो स्कॉलर्स थे पहले तो अबुल फजल और अबुल फेजी, ठीक है, ये दोनों थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है, अकबरनामा लिखा है। ठीक है, अबुल फेजी ने क्या किया है, महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। शाहजहाँ के टाइम पे हुआ करते थे अब्दुल लाहौरी, क्या नाम था यार उनका, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी जिन्होंने पातशाह नामा लिखा है जो नूरजहाँ के ऊपर है। फिर एक और कौन थे, इनायत खान जिन्होंने क्या लिखा है, शाहजहां नामा लिखा हुआ है। ठीक है, शाहजहां नामा लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब के बारे में याद रखिएगा, ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। चलिए इसको रिवाइज कीजिएगा और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, पंचमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है, तानसेन किसको बिलोंग करते हैं, ग्वालियर को बिलोंग करते हैं, हमजा नामा इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ 1200 पेंटिंग्स हुआ कर, अकबर किसको किस म्यूजिशियन को पेट्रोनाइज किया करते थे, तो तानसेन को, ये सारे MCQs आप सॉल्व कीजिएगा, आपका मुगल एम्पायर पूरा ख़त्म हो गया, इसी के साथ हमारा मिडिबल पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद थोड़ा जो है मिडिल से मॉडर्न पीरियड में जो ट्रांजिशन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कस करना हमारा बाकी है मिडिबल पीरियड में, तो इसके बाद जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो मराठा एम्पायर के बारे में देखेंगे, शिवाजी के बारे में देखेंगे, क्या क्या मराठा मुगल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।